हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम बनाएंगे रगड़ा चाट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम लगती है बनने में, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप हर बार इस तरीके से बनाना चाहोगे। चलिए फ्रेंड्स, हम क्विकली से बना लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम घर पर बनाएंगे आज रगड़े चाट की रेसिपी। हमने ये आधा आधा कटोरी सफ़ेद वाला मटर लिया और काला वाला चना, इसे हमने ओवरनाइट फूलने के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसे 4-5 घंटा पहले फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इसे हम एक छन्नी में डाल लेंगे। हमने चना और मटर दोनों को मिक्स रगड़ा चाट बना रहे हैं। आप एक बार इस तरीके से इसका मिक्स चाट बना लीजिए। हमने कुकर में इसे बनाना है, तो हमने कुकर को पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था। हमने एक चम्मच हमने खड़ा जीरा डाला है, 2 मीडियम साइज के प्याज, प्याज को हल्का सा सुनहरा कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च डाला, ये कम तीखी वाली है, और आधा टुकड़ा हमने अदरक लिया था, इसको हमने ग्रीस कर लिया था। 1 टमाटर बारीक काटा हुआ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसको नमक डाल के अच्छे से इसको ढक लेंगे और इसे हम 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने देंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गया, हमारा टमाटर भी परफेक्ट सॉफ्ट हो गया, तेल भी सेपरेट हो गया। इसको अच्छे से और मिक्स कर लेंगे, और जो हमने चना और मटर छान के रखा था इसको यहाँ पे हम डाल देंगे। आप एक बार इस तरीके से इन दोनों का मिक्स बनाइए रगड़ा चाट रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, इतना ज़्यादा टेस्टी कि क्या बताएं। अब चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 आलू को ग्रीस करके डाला। आप चाहे तो बारीक से भी काट के डाल सकते हो, बट इस तरीके से आप ग्रीस करिएगा तो इसका तरी बहुत जब परफेक्ट बनती है। अब इसे हम 4-5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए मटर और चना में, नमक हमने जो पहले डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला, और आधा चम्मच हम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 1-2 मिनट हो गया, देखिए मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आपको पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना फ्रेंड्स, हमने आधा आधा कटोरी लिया है तो आपको यहाँ पर 1.5 गिलास ही पानी डालनी है। अब इसको मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक, 5-6 सीटी आने तक ही पकाना है हमें। इतने में ये परफेक्ट पक जाएगी, आपको बिल्कुल से अलग बर्तन गंदा नहीं करने, हम कुकर में ही परफेक्ट चाट बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। देखिए बन गया है, 5-6 सीटी हो गया है, परफेक्ट हमारी पक चुकी है ये चना और मटर, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि हमारा चाट कितना ज़्यादा डिलीशियस और इजी तरीके से बन के तैयार हो गया। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाने का ट्राई करेगा फ्रेंड। देखिए कितना अच्छा से पक चुका है चना और मटर, पूरा अलग हो गया है। अब चलिए इसको हम और कुछ ट्विस्ट लाएंगे, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ डाल देंगे ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। हमने यहाँ 1 प्याज को बारीक से काट लिया था, 2 हरी मिर्च लिए हैं, ये कम तीखी वाली है, 1 टमाटर इस तरीके से आप डाल सकते हो, आपको जो खाना हमें पसंद है नमकीन नमकीन वो भी आप इसमें डाल सकते हो। हमने यहाँ बारीक हरा धनिया भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने मिक्स नमकीन डाला है, आप चाहते इसकी जगह आलू भी भुजिया डाल सकते हो। यहाँ पे हम हल्का सा ऊपर में चाट मसाला डाल देंगे और यहाँ पे हम हल्का सा काला नमक डाल देंगे, और भी टेस्टी लगेगी इस तरीके से आप बनाइएगा। सो फ्रेंड, हमारा रेडी हो गया है चाट की रेसिपी, इस तरीके से आप बनाइए और इन्जॉय करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड, आपको अगर हमारे ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादातर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।